दोस्तों आपका फिर से मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल क्विक खबर YouTube चैनल पे। तो साथियों आज की वीडियो में क्विक से सबसे पहली जो खबर दोस्तों निकल कर आ रही है वो आ रही है फिफ्थ रिंग रोड से। साथियों क्वेट में आप रहते होंगे तो फिफ्थ रिंग रोड के बारे में आप लोगों ने बहुत जरूर सुना होगा, बहुत ही ज्यादा ये फेमस रोड है। तो फिफ्थ रिंग रोड से खबर निकल कर आ रही है टेम्पोररी डायवर्सन ऑफ फिफ्थ रिंग रोड ऑन द बिन कासिम स्ट्रीट। साथियों फिफ्थ रिंग रोड को टेम्पोररी दोस्तों डायवर्स किया जा रहा है, यानी रास्ते को काटा जा रहा है। क्यों? अब दोस्तों मैप में आप वीडियो के सुनते जैसा कि आप देख सकते हो जिस तरह का रेड जो लाइन आपको दिखा दे रहा है उसी को डायवर्सन किया गया। इसके पीछे दोस्तों रीजन ये है कुछ मेंटेनेंस वगैरह का काम है, कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम है, इसी को लेकर अथॉरिटी की तरफ से किया गया है। दोस्तों इसमें ये भी बताया गया है कि जो बंद किया गया है स्ट्रीट फ्रॉम सैटरडे जुलाई 13 मॉर्निंग, यानी साथियों इसे आज से ही 13 जुलाई 2024 से साथियों इसे बंद कर दिया गया है और ये लगभग एक हफ्ते तक बंद रहेगा 2 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक, यानी 3 से 4 घंटे के लिए दोस्तों इसे बंद किया जाए, 2 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक 2 से 3 घंटे के लिए दोस्तों इसे बंद किया जाएगा। तो आप लोग जो भी इस रास्ते से रात में ट्रेवल करते थे, रात में सफर करते थे, तो दोस्तों रास्ता को डाइवर्ट कर दिया गया, यानी रास्ते को काट दिया गया है, कुछ मेंटेनेंस का काम है, आप लोग उनको इत्तला कर दीजिएगा जो उस रास्ते से गुजरते हैं। अगली जो खबर आ रही है बहुत ही बड़ी खबर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है उन लोगों के लिए जो कुवैत में मरीन वीजल का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों वीडियो की सुन पे जो आपको बोट दिखाई दे रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं लकड़िया को जो बोट होता है, लकड़ी वगैरह का, जिसे मरीन बोट कहा जाता है, मरीन वीजल भी कहा जाता है, उसमें एक सेल्फ आइडेंटिफिकेशन डिवाइस लगा जा रहा है जिसे शॉर्ट फॉर्म में AIS कहा जाएगा। तो इस दोस्तों डिवाइस को हर एक मरीन वीजल में इंस्टॉल करना पड़ेगा जो भी इसके मालिकाना हक रखते हैं। यदि इस डिवाइस को आप लोग नहीं लगाते हो, जो भी इसका इस्तेमाल करते हो जो मरीन वीजल का, और यदि लगाने के बाद यदि इसे आप ऑफ कर देते हो, यदि मिनिस्ट्री आपको ट्रैक कर लेती है, मिनिस्ट्री आपको पकड़ लेती है, तो उस पर लगभग आपको 500 कुवैती दिनार का जुर्माना लगाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, 500 कुवैती दिनार का जुर्माना लगाया जाएगा। खबरों को पूरा पढ़ना चाहो तो पूरा खबरों को पढ़ सकते हो। 5KD फाइन इफ द डिवाइस इज ऑफ, यानी ऑफ होगा तो 500KD का जुर्माना होगा। अगली जो अपडेट आ रही है वो मिनिस्ट्री की तरफ से आ रही है। भाइयों जैसे कि आप लोग जानते हो एयरपोर्ट में टर्मिनल 2 का प्रोजेक्ट का काम काफी दिनों से चल रहा है और काफी ये बड़ा प्रोजेक्ट है। साथ ही मैंने आपको बताया था कि बहुत ही जल्दी एयरपोर्ट टर्मिनल 2 का काम जो वो कंप्लीट हो जाएगा और उसे सभी यात्रियों के लिए, पैसेंजरों के लिए, इसे दोबारा ओपन, मतलब इसको ओपन कर दिया जाएगा। पर साथ ही बता दूं आपको इसी को रिलेटेड कल एक मीटिंग रखी गई थी, जैसा कि वीडियो के स्क्रीन पे दोस्तों आप खबरों को यहां पे आप पढ़ सकते हो। मिनिस्ट्री रिव्यू एयरपोर्ट टर्मिनल 2 प्रोजेक्ट, यानी प्रोजेक्ट जो काम चल रहा है उसको रिव्यू किया गया कि काम कहां तक पहुंचा है, और उस मीटिंग के दौरान ये बातचीत की गई है कि जल्दी से इसे कंप्लीट किया जाए जो डेट को फिक्स किया गया है, यानी कंप्लीट होने की दोस्तों जो वहां पे डेट था, यानी जिस कंपनी को यह प्रोजेक्ट दिया गया है उस डेट में ही उसे काम को पूरा करना है। इसको लेकर दोस्तों कल के दिन बहुत ही बड़ी मीटिंग वहां पे रखी गई थी, जैसा कि खबरों को पूरा पढ़ सकते हो। साथियों किसी तरह का मन में आपके सवाल हो, कोई जानकारी चाहते हो तो मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों का सवालों का जवाब देने के लिए। तो मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद।